So we continue the topic of earthing of a metal conductor. तो उसके अंदर illustration number 2 को हम समझने जा रहे हैं. In illustration number 2, what we have taken a metal spherical shell. Inside the shell we have a point charge q. अब देखो अगर ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे आता है तो क्या चांसेस हैं ड्यू टू दिस प्लस क्यू द इनर सरफेस ऑफ दिस शेल शुड हैव विच काइंड ऑफ चार्ज इट शुड हैव ए नेगेटिव चार्ज सो दिस इज माइनस क्यू हियर एट द इनर साइड और अगर माइनस क्यू पे अगर अगर इनर पे माइनस क्यू आता है डेफिनेटली आउटर पे क्या जाना चाहिए प्लस क्यों जाना चाहिए कितने लोगों को ये चीज पता है मैंने कैविटी में भी इस चीज को समझाया है कैविटी कॉन्सेप्ट के अंदर वो यही चीज है अब अगर आप ऐसी सिचुएशन में अर्थिंग करते हैं सपोज यू अर्थ ग्राउंड अर्थिंग को ग्राउंडिंग भी कहते हैं आप इसको करते हो तो सिचुएशन अब क्या बनेगी देखो सिंपलेस्ट वे में आप समझें तो सिंपलेस्ट वे में दिस इज नॉट द एक्चुअल फिजिकल वे आउट मैंने वैसे ही समझाया था अगर सिंपल समझो तो सारा आउटर सरफेस का चार्ज अर्थ में चला जाएगा बट रिमेम्बर एक्चुअल में प्लस क्यू नहीं जाता एक्चुअल में आते तो इलेक्ट्रॉन है जो इस प्लस क्यू को न्यूट्रलाइज करते ये पॉइंट क्लियर है बट अगर इन शॉर्टकट में कहें तो ये प्लस क्यू ग्राउंड के अंदर या अर्थ के अंदर चला गया ओके एवरीवन कह सकते हैं शॉर्टकट में यस तो आप देखो प्लस क्यू वाला सारा चार्ज जब अर्थ में चला जाएगा तो अब इस सरफेस की पोटेंशियल अगर आप निकालने की भी कोशिश करोगे तो वो जीरो ही आएगा आप चाहे करके देख लीजिए दैट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर कि जब इस प्लस क्यू को आपने अर्थ में भेज दिया तो अब आपके पास सिर्फ ये प्लस क्यू अंदर वाला बचा है और ये माइनस क्यू इनर वाला बचा है रिमेम्बर ठीक है तो अब अल्टीमेटली फाइनल बात तो ये है कि भाई इस सरफेस पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए इसको आप चेंज नहीं कर सकते पर यदि किसी के मन में ये डाउट आता है कि सर माइनस क्यू क्यू चार्ज इस पे क्यों नहीं इफेक्ट पड़ा अर्थिंग के कारण Anyone have doubt this? कि ये प्लस क्यू तो अर्थ में चला जाएगा ठीक है बट माइनस क्यू पे क्यों कोई फर्क नहीं पड़ा Anyone have doubt in this? Or you are sure कि नहीं फर्क पड़ेगा इसको हाँ भी अमरनाथ what you think? Doubt है सर क्या डाउट है सर माइनस क्यू पे सर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ओके बबीता योर रिस्पांस डाउट है सर इसमें डाउट है एनीबॉडी हु वांट टू एक्सप्लेन इट कोई कुछ कहना चाहता है कि इस माइनस क्यू के बारे में ओके नहीं सो एवरीवन हैव डाउट ऑन दिस नाउ लिसन पॉइंट ये है कि भाई ग्राउंड करने से हमें ये मालूम है कि सरफेस का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए अब सरफेस का पोटेंशियल एक ही तरीके से जीरो होने का यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल चांस है बाकी उसको एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई कर सकते हैं तो एक तो सिंपलेस्ट वे में आप ये देखो कि अगर इस पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो इस प्लस क्यू को न्यूट्रलाइज करके खत्म कर देंगे पहली बात चाहे आप इसको खत्म कर दो चाहे आप मान लो कि अर्थ में चला गया अब ये प्लस क्यू यहां से चला गया अब जब आप पोटेंशियल सरफेस का देखने लगेंगे तो आप पहले देखो आप एक ही केस में सरफेस पे पोटेंशियल जीरो आएगा जब ये माइनस क्यू यहां प्रेजेंट रहे अगर इस माइनस क्यू को भी आप छेड़छाड़ करोगे तो होगा क्या इस प्लस क्यू की पोटेंशियल सरफेस पे क्या आनी चाहिए पिछली बार सिखाया था ये आनी चाहिए अब भाई सरफेस के ऊपर ये पोटेंशियल तो तभी खत्म होगा ना न्यूट्रलाइज तभी होगा जब यहाँ माइनस क्यू बाकी रहेगा
अगर माइनस क्यू बाकी रहेगा तभी तो ये पोटेंशियल आपस में कैंसिल होके क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू क्लियर दैट कि ये माइनस क्यू यही रहना चाहिए टू हैव सरफेस पोटेंशियल टू बी जीरो। हाउ मेनी ऑफ यू क्लियर नाउ? ठीक है, ओके, सो पॉइंट इज वेरी मच क्लियर कि इस माइनस क्यू को यही रहना चाहिए और सरफेस का पोटेंशियल अभी भी जीरो बन चुका है। रीजन इज मोस्ट रीजनिंग फॉर दिस इज ड्यू टू अर्थिंग। अब ये दो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल हमने ले ली, अब हम एक बहुत ही अच्छा इसके ऊपर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं सो दैट द कॉन्सेप्ट बिकम्स फर्दर मोर क्लियर। We will say most and most important question. Question or rather I say example. Figure shows, note down कर लो question को, figure shows three concentric thin spherical shells. A, B and C. Of radii small a, B, C respectively. The shells A and C A and C are given charges Q and minus Q respectively and the shell B is अर्थ्ड। अब अर्थिंग की बात आई है। फाइंड द चार्जेस अपीयरिंग ऑन द सर्फेसेस ऑफ बी एंड सी। So now you required the diagram. Give you the diagram. So we have to make three shells, okay? This is two shells. Third one. I name it center A, B and C radius A B and C
इनसाइट इज गिवन, ए ए को कितना दिया है हमने, क्यू दिए, और सी को दिया हमने माइनस क्यू, और बी को हमने किया बेटा अर्थ, दिस इज सिंबल फॉर अर्थ. सो दिस इज द क्वेश्चन. इसको आप एक मिनट लेके सोच लीजिए, इसका आइडिया लगा लीजिए, देन वी डिस्कस इट. So any one of you having any idea how we can proceed this question? Manjeet, हाँ भी कुछ ख्याल आ रहा है, क्या कर सकते हैं इसके अंदर? तुम जल्दी, मंजीत का माइक ऑन ही नहीं होता बेटा, तुम ना इससे तुम्हें नुकसान हो रहा है मंजीत इस चीज से. ऑनलाइन एजुकेशन में जितना आप कम्युनिकेट बेटर कर पाएंगे यू विल गेन बेटर. हाँ वंदना, वंदना बबीता, एनीवन रिस्पांस, जो करना चाहे जल्दी रिस्पांस करो. चलो वंदना पहले आप करो. सर ए पे चार्ज क्यू है तो हम ए के इनर सरफेस पे माइनस क्यू हो जाएगा और आउटर पे प्लस क्यू. किसके इनर पे माइनस क्यू होगा? ए के. ए के, ए के इनर पे माइनस क्यू क्यों होगा? नहीं सर, ए के ऊपर चार्ज क्यू है टोटल. तो उसके इनर सरफेस जो साइड में माइनस क्यू आ जाएगा. नहीं, शेल के ए पे नहीं आएगा, बी बी के इनर पे आएगा. चलो बबीता आप क्या देख रही हो इसके बारे में? सर हम गॉस लॉ नहीं लगा सकते. आपको पहले निकालना क्या है? चार्जेस अपीयरिंग ऑन दी सर्फेसेस ऑफ बी एंड सी. तो आप आपको लग रहा है कि वो बी और सी पे गॉस लॉ को लगा के वो चार्जेस निकल सकता है, ये कहना चाह रहे हो? उससे कैसे निकलेगा? उससे गॉस लॉ में आप क्यू एनक्लोज निकाल पाते थे वो भी अगर आपको फ्लक्स मालूम है. ठीक है, तो फ्लक्स तो यहाँ मालूम ही नहीं है भाई ना. Yes. हाँ, ये बताओ क्वेश्चन कैसा है, ये कैसा लग रहा है क्वेश्चन? ये डिफिकल्ट है सर. अच्छा है सर. डिफिकल्ट भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, और जो टॉपिक को हमने समझा उससे कनेक्टेड भी लग रहा है. अर्थिंग समझी ना हमने यार? Yes sir. So that's why I have written most and the most important question. It will give you further good idea about earthing questions. Earthing के question NCERT में नहीं है, but still most of you will not stop your studies after 12th class. So it required the knowledge of earthing. Either in your engineering, चाहे engineering फिर कहीं से भी करना, वहाँ पे electricity अगर पढ़ रहे हो, then definitely you required this earthing knowledge. ओके भाई, तो करते हैं. और किसी को कोई इसमें कुछ कहना चाहता है तो ओपन है, अदरवाइज आई एम स्टार्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन. देखो एक चीज है जो इस पूरे सिनेरियो में आप अप्लाई कर सकते हैं, बताओ वो क्या, जिसके बारे में आप श्योर हो. अगर अर्थिंग हमने की है तो किस बात के लिए श्योर हो आप, जल्दी बताओ. सर के बी के आउटर सरफेस पे पोटेंशियल जीरो होगा. एक बात अब याद रखना, जो पोटेंशियल है वो इस बात पे नहीं डिपेंड करेगा कि आउटर सरफेस या इनर सरफेस, पोटेंशियल सिर्फ बात करेंगे सरफेस की. ठीक है, सरफेस पोटेंशियल के अंदर इनर और आउटर वाली बात वैलिड नहीं है, सिंपल सरफेस वाली बात वैलिड है, द पोटेंशियल एट द सरफेस. तो बी के आप श्योर हो इस बात के लिए कि बी का जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, जीरो. क्योंकि फॉर विच रीजन,
आर थिंग. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? फर्स्ट हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ठीक है भाई. सो यू विल सरप्राइज. देखो हाथ कितने, तीन चार पांच लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं. सो अब मैं क्या कहूँ आपको. फिर अभी हमने पूरा अर्थिंग के ऊपर कंसेप्ट को हमने पढ़ा, समझा, कंक्लूड किया. तो आपको एकदम इमिडिएटली पूरी फुल 100% वोटिंग के साथ आपको हाथ खड़े करने चाहिए सभी को कि बी पे पोटेंशियल, बी सरफेस पे पोटेंशियल जीरो रहेगा सर, कुछ हो जाए. यही हमने पीछे समझा है. और आपको ये जो क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, ये सारा क्वेश्चन सिर्फ इतनी सी बात से सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ इतनी सी बात से. वंदना, आपको चार्जेस निकालने हैं बी और सी पे. जैसे ही आप वी बी इक्वल टू जीरो को सॉल्व करोगे, यू विल गेट द चार्जेस. अब बात सारी फिर कहाँ आके अटकती है? क्या हमें बी सरफेस का पोटेंशियल लिखना आता है क्या? सारी बात इस बात पे अटकेगी. अब उसी को देखना है. चलो स्टार्ट करते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सी, अगर यहाँ प्लस क्यू है तो इस बी के इनर पे माइनस क्यू प्रेजेंट होगा. इस पे माइनस क्यू प्रेजेंट होगा और ये माइनस क्यू प्रेजेंट होने का कारण बाय गॉस लॉ. अब गॉस लॉ लगा के देख सकते हो. दिमाग लगाना, जो समझने वाले हैं वो दिमाग लगाना. बाय गॉस लॉ इनर पे माइनस क्यू आएगा. व्हाट यू थिंक बी के आउटर पे क्या आएगा? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री प्लस क्यू आना चाहिए? रेज योर हैंड. बी के आउटर पे प्लस क्यू आना चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ऑल ऑफ यू एग्री, बट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग. All of you are wrong for simple reason. यहाँ अर्थिंग की हुई है. अगर ये अर्थिंग नहीं होती तो डेफिनेटली यू आर करेक्ट, प्लस क्यू यहाँ होता. बट यहाँ क्या हो रखी है? अर्थिंग. किसको बात समझ में आई? अर्थिंग के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या जाएंगे, जो भी फर्क पड़ेगा, उसके कारण इसके आउटर पे यू आर नॉट श्योर कि भाई वो प्लस क्यू रहेगा. तो फिर क्या करें? फिर हमें इन जनरल उसे क्यू डैश मानना पड़ेगा. वी अज्यूम इट क्यू डैश एट द आउटर. अब समझिए, अगर आपने आउटर पे क्यू डैश मान लिया तो डेफिनेटली सी के इनर पे माइनस क्यू डैश होगा. हाउ मेनी ऑफ यू नाउ श्योर अबाउट दिस? अब देखते हैं कितने लोग सही होते हैं. अगर आपने जैसे ही B के आउटर पे क्यू डैश को अज्यूम कर लिया, वैसे ही यू आर श्योर नाउ दैट द इनर ऑफ C विल गेट माइनस क्यू डैश. हाउ मेनी ऑफ यू श्योर नाउ? फोर स्टूडेंट्स. वंदना, हाउ यू आर श्योर अबाउट दिस? सर वो प्रॉपर्टी से कि वो प्रॉपर्टी गॉस लॉ से आती है. एक चीज मैं आपको यहाँ समझाऊं, ये प्रॉपर्टी बहुत यूटिलाइज हो रही है. सपोज दिस इज ए शेल एंड देयर इज ए प्लस क्यू चार्ज हेयर इनसाइड एट दिस सेंटर. कैन आई टॉक अबाउट ए पॉइंट? देखो शेल क्या है, शेल भी तो एक मटेरियल ही है, बट सिर्फ ये है कि वो थिन होता, उसकी जो सरफेस है वो थिन होती है शेल की.
So can I talk about a point inside material of shell? बात कर सकते हैं? Yes sir. So inside material of shell की अगर आप बात करते हो तो ये metal shell है तो उसकी यहाँ field क्या होनी चाहिए? Zero होनी चाहिए? डेफिनेटली भाई मेटल के अंदर फील्ड जीरो होती है. तो अब जब आप गॉस लॉ लगाएंगे बाय ड्रॉइंग ए गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पी, तो उस गॉस लॉ में भाई क्यू एनक्लोज क्या आना चाहिए? जीरो. भाई एक ही तरीका है ना ये फील्ड को जीरो बनाने का, क्यू एनक्लोज जीरो आना चाहिए. यस सर. तो क्यू एनक्लोज जीरो तो एक ही तरीके से आ सकता है, अगर आप इनर पे क्या मान लो? Minus Q. तो अब बात समझ में आई कि यहाँ प्लस क्यू माइनस से इनर पे क्यों माइनस क्यू डेवलप होता है. दिस इज द रीजनिंग बाय गॉस लॉ. सो हाउ गॉस लॉ हेल्प अस, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते. तो ये बात है बेटा पढ़ने की, जितना पढ़ोगे फिजिक्स उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. ओके अब